तो दोस्तों मैं अपने किसान भाइयों के लिए हमेशा एक प्रयास करता हूँ। बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि सर खोया मशीन कहाँ से हम खरीदें और क्या उसका प्राइस हो जाता है, ये चीज़ के लेकर के मैं आज पहुँच चुका हूँ पटना में और फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में। तो हम जानते हैं खोया मशीन की प्राइस क्या है, क्या इसकी खासियत है, हम पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो मैं खोया मशीन इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो दूध का रेट है ना काफ़ी कम है, तो यदि आपके पास खोया मशीन रहती है तो आप दूध को जो है खोया बना करके बेच सकते हैं, क्योंकि आज खोया का रेट आप भी जानते हैं कि कितना है, किस रेट से खोया सेल हो जाता है और मार्केट तो बहुत बड़ा है दोस्तों। मार्केट खुद को पकड़ना है सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है ये मैं मानता हूँ, लेकिन खुद ही पकड़ना होगा, इसके लिए कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं होती है सर। तो आप बिल्कुल आप खोया मशीन ले आकर के अपने दूध को जो है वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आपकी जो दूध की प्रोडक्शन है उसका आप वैल्यू बिल्कुल ही बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं पूरी की पूरी डिटेल्स इससे। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चाहूँगा अपने किसानों के लिए कुछ आज आप नया दिखाएं जो कि हमारे डेयरी फार्मिंग करते हैं लोगों, दूध का उत्पादन करते हैं, रेट नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देकर के और उस चीज़ को आप दिखाएं जो कि हमारे किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार सर, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कंपनी फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में स्वागत है। मैं मधु सिंह तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आपने डेयरी फार्मिंग लगा रखी है यानी आपके पास दूध का ढेर सारा भरमार है, लेकिन आप उसको कैसे उससे मुनाफा कमा सकते हैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, शायद या तो कुछ हेजिटेशन हो या कुछ गाइडेंस की कमी हो। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो है खोया मेकिंग मशीन। आइए दोस्तों आज मैं आप सबको मशीन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मशीन का मैम डिटेल्स जानना चाहूँगा कि इसका कितना मतलब कि प्रोडक्शन का लिमिटेशन है, कितना प्रोडक्शन कर सकता है ये। सर ये जो मशीन हम आपको दिखा रहे हैं ये 100 से 125 लीटर की है। 100 से सवा लीटर दूध एक बार में हम इसमें डाल सकते हैं। जी सर, और जब हम लोग दूध डालते हैं तो दूध डालने के बाद आप जब भी खोया बनाते हैं तो उसको हिलाना पड़ता है ना। जी बिल्कुल मैम, हाँ हाँ, हिलाना चलाना पड़ता है। तो सर इसमें आप देख रहे इक्विपमेंट्स है, इससे आपको इसके साथ लगे रहने की, हाँ जी, इसके साथ लगे रहने की जरूरत नहीं है, इसमें 1/2 HP का मोटर रहता है। तो एक और सवाल मैम, जहाँ बिजली की मतलब उपलब्धता नहीं हो तो क्या ये मतलब कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकता है क्या? सर आते हैं इसमें गैस वाला भी, अगर किसी को चाहिए कि गैस ऑपरेटिंग ले तो वो भी ले सकता है, गैस ऑपरेटिंग भी होती है, पर सर गैस ऑपरेटिंग थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाएगी क्योंकि उसमें उसका सिलेंडर का अलग से खर्च पड़ जाता है। और अगर सर इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग जाता है तो 1/2 HP मोटर रहता है, तो सिंगल फेज में ज़्यादा कनेक्शन नहीं उठता है, बहुत कम कनेक्शन में ये काम कर सकता है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड आसान होता है ना? जी सर, SS बॉडी होती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये SS बॉडी है। और उसके अलावा मैम एक मेरा और सवाल, कितने लोग इसमें मतलब काम करेंगे 100 लीटर दूध को प्रोडक्शन करने में? सर एक आदमी काफी है, दूध डाल देना है बस काम खत्म। कितना जगह चाहिए इसको रखने के लिए? सर आप मशीन देख रहे हैं कितनी बड़ी है जी, उसके अनुसार से आपको जगह मतलब किया। जी सर 10x10 का रूम तो सर बहुत है, उसी में आप दूध रखिए, मटेरियल रखिए, जैसे खोआ बना दिए खोआ बनाने के बाद रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि खोआ बना के खुद पैक करके सेल करें अपना ब्रांड बना के तो हम आपको पैकिंग मशीन भी देंगे, आप अपना ब्रांड बना के भी सेल कर सकते हैं। ये टोटली आपका ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये 100 लीटर का ही आता है या इसके ऊपर का भी मतलब आता है? नहीं सर आने को तो इससे ऊपर भी आता है, लेकिन ये एनएफ है सर। एनएफ है 100 लीटर? हाँ 100 से 125 लीटर तक का, 120-125 लीटर इसमें दूध आप कवर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके प्राइस का मैम, तो प्राइस मतलब क्या चीज है, कितना है इसका? सर इसका प्राइस 60,000 रुपीज है सर। 60,000 रुपए प्राइस? हाँ जी 60,000 में मशीन हम दे देंगे। और एक दूसरी बात होती है मैम सर्विस की, यानी कि बाय द वे किसी कारण से खराब हो जाता है तो उसकी सर्विस हम कैसे कराएंगे ये आप बताएंगे? सर जैसे ये मशीन आप लेके जब जाएंगे तो मशीन के ले जाने के 24 घंटा बाद या 24 घंटा के अंतराल में हमारा टेक्नीशियन जाता है, और वो टेक्नीशियन क्या करता है कि हमारे मशीन को सेट करता है और आपको बताता है कि कैसे इसमें दूध से आप खोआ बना के मुनाफा कर सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देता है इस चीज़ का, और एक साल तक ये ट्रेनिंग आपकी जो रहती है, जैसे कभी भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो, इन द केस सर एक मशीन है चलते चलते कभी भी रुक सकती है माइनर प्रॉब्लम से भी, और उस कंडीशन में जो हमारे दोस्त होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है मशीन खराब हो गई, तो हम उस समय टेक्नीशियन की फ्री सर्विस देते हैं ताकि वो जाके मशीन को ओके करें, इसका कोई चार्ज कंपनी नहीं लेती है। एक साल तक? एक साल तक सर। तो मैम अगर कोई किसान ले भी लेता है तो इसको उससे क्या प्रॉफिट होगा ये आप थोड़ा सा समझा देंगे? सर जैसे जनरली हम अगर दूध का दाम लेके चलते हैं तो मिनिमम 40 रुपये सब जगह है, 40 रुपये किलो दूध का एक रेट है, तो सर अगर 100 लीटर दूध का दाम आप लेके चल रहे हो और 100 लीटर में इसमें सर कम से कम आपको आप 30 से 40 किलो तो खोआ निकल जाएगा। दूध का जो एवरेज होता है कि 1 किलो में 300-400 ग्राम शायद खोआ निकलता है, 200 ग्राम भी निकलता है मैम। हाँ सर अगर दूध बढ़िया ना है ना तो 100 ग्राम भी निकलेगा, 100 ग्राम भी निकलेगा। हाँ क्योंकि पानी वाली दूध में खोआ नहीं निकलती है, लेकिन अगर खुद की फार्मिंग है तो दूध बढ़िया होगा और अच्छे दूध का खोआ सर अच्छा निकलता है। तो उस कंडीशन में अगर 100 लीटर का आप लेके चलते हो मार्जिन तो 100 लीटर दूध का जो रेट है सर, और खोआ का रेट आप देख लो किलो के हिसाब से, हमको लगता है 250-300 रुपये किलो खोआ चलता है मिनिमम।
तो उस अकॉर्डिंग सर मार्जिन कम से कम एक दिन में अगर वो 800 लीटर दूध से खोआ बना के सेल करता है तो पर डे का 1000 से 1500 रुपए उसका मुनाफा हो सकता है। मैम एक और मेरा जो क्वेश्चन रहता है रहेगा कि क्या हम इसको सिंगल फेज पर ही ऑपरेट कर सकते हैं डबल फेज पर, क्योंकि बिजली की खपत सबसे बड़ी समस्या है और बिजली का खपत भी तो होगा ना इसको चलाने में। हाँ सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम लोग सिंगल फेज पे ही सारा काम करते हैं, थ्री फेज कनेक्शन मतलब कमर्शियल कनेक्शन हो जाता है, उसको लेने में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं चूंकि बता चुकी हूँ कि ये हमारे किसान भाइयों के लिए है, तो मैं जानती हूँ कि किसान भाइयों के पास थोड़ी सी अभी फाइनेंशियली क्राइसिस हो जाती है, चूँकि फार्मिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि उन्हें कम से कम लागत लगे और अच्छा से अच्छा मुनाफा हो। तो हम ये जो मशीन है इसके एवरेज में आपको ये कह सकते हैं कि आप ये मशीन लगा के सिंगल फेज कनेक्शन, आपको सर इसमें थ्री फेज की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सिंगल फेज कनेक्शन के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको आराम से सिंगल फेज में सर बहुत कम यूनिट उठेगा और उससे आप आराम से काम कर सकते हैं, काफी कम जगह में भी इसको हम रख सकते हैं। हाँ सर, बहुत बहुत छोटी सी जगह की जरूरत होती है सर, पूरा मशीन का आप देख ले रहे हैं। इसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एकदम आराम से सर। ऊपर में एसएस बॉडी जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये देख रहे हैं नीचे एमएस बॉडी है। ये भी उसी का पार्ट है। हाँ जी सर, किसी के लिए मैम ये सर इसी के अंदर सारा इसका सिस्टम रहता है। अच्छा, मोटर और जो भी चीज़ें सब इसी में। जी, ये अटैच है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके साथ ये अटैच है। ये इसमें सिर्फ हम दूध डाल के इसको स्टेयर करते हैं, अदरवाइज इसका कोई सारा प्रोसेस इसका यहाँ से होता है। जी, मतलब मैं समझता हूँ कि 3x4 या 5x4 का जगह ही ले सकता है। हाँ, मशीन में बहुत छोटी सी जगह की जरूरत है, लेकिन सिर्फ मशीन नहीं, मशीन के साथ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन भी रखना होता है। तो उतना सर 10x10 का रूम काफ़ी होता है, जो हम लोग ये करते हैं कि 10x10 का रूम आप ले लीजिए, तो आपको रॉ मटेरियल प्रोडक्शन दोनों सही रहता है। उसके अलावा सर आप सिंगल फेज का एक कनेक्शन ले लेते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ये काम कर सकता है। अगर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है तो एक स्टेबलाइजर लेना होगा, अदरवाइज किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ इसमें 1/2 HP का मोटर होता है। इसको उपलब्ध कैसे आप करा पाएंगे मैम हमारे किसानों को? सर अगर मैं तो एडवाइस करूँगी यही कि अगर वो बिहार के हैं तो एक बार ऑफिस आएँ, आके विजिट करें, देखें, और अगर कोई बिहार के बाहर लेना चाहते हैं हमसे तो वो हमसे कांटेक्ट करें बाय फ़ोन, हम लोग उनसे सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। या तो गाज़ियाबाद में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो गाज़ियाबाद में भी जा सकते हैं, और गाज़ियाबाद में जाके वो वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, वहाँ वो हमसे बात करेंगे तो हम उन्हें गाज़ियाबाद का भी नंबर एड्रेस दे देंगे और वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अगर किसी को मशीन चाहिए तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। पेमेंट कैसे कर सकते हैं, पेमेंट वाला थोड़ा सा एक बार और समझा देंगे आप? सर जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको कि अगर कोई बाहर के हैं, बिहार के बाहर के या फिर कहीं के हैं जो मशीन चाहते हैं ऑनलाइन लेना, तो उस कंडीशन में उन्हें 40% अमाउंट पहले पेमेंट करना होता है, बाकी 60% उनके पास जब मशीन पहुंच जाती है उसके बाद करना होता है। तो मैम इतनी सारी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर।